नमस्त्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातस्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। पर्व का उपांत दिन है। उपांत का अर्थ होता है सेकंड लास्ट। कल अंतिम दिन है और पर्व समाप्ति की ओर जा रहा है, किंतु आराधना कभी समाप्त नहीं होगी। पर्व आपके सामने एक एक दिन आ गए, निकलते जा रहे हैं। ये परिवर्तन इसी को बोलते हैं, किंतु हमें प्रतिपल आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखने के लिए बार बार गुरु हम लोगों के लिए सहारा देते हैं। और उन्होंने ये कहा, समझदारों के लिए इशारा काफी है। सहारा तो चाहिए, किंतु इशारा काफी होना चाहिए। यदि समझदार है तो, और समझदार होकर के भी मझदार में है, तो उनको कौन समझा सकता है? नहीं समझा सकता। इसलिए यह आकिंचन धर्म आपके सामने है। आकिंचन का अर्थ क्या होता है? किंचित मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं है, उसका जो भाव है उसका नाम आकिंचन कहा है। बार बार मन में विकल्प आता है, यह पर वस्तु के प्रति अपनत्व जो बुद्धि है वही संसार के लिए कारण है। सामने वस्तु विद्यमान नहीं है, इसके उपरांत भी आपका मन गाफिल हो सकता है। क्यों? जिन जिन वस्तुओं के प्रति आपका संबंध जुड़ा हुआ है, वह सामने वस्तु नहीं भी है तो भी विकल्प आपके अंदर बना हुआ है। आप निर्विकल्प नहीं हैं। निर्विकल्प तब हो सकते हैं किसी भी प्रकार से पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव न रखें। एक प्रसंग है और गुरुदेव ने उस विषय को हम लोगों के सामने कई बार रखा है, और इसलिए रखते हैं जब तक उन प्रसंगों को समझते हुए अपने जीवन को प्रयोग में उसको नहीं ढालेंगे, तब तक हमारा मन हमेशा आकुलित रहेगा। विकल्प जो होते हैं वो बिना निमित्त के विकल्प नहीं हो सकते। सरोवर शांत है और उसमें एक भी लहर नहीं उठ रही है, क्योंकि हवा का झोंका नहीं है। और मान लो किसी ने उसमें कंकर फेंक दिया तो निश्चित रूप से उसमें लहरें तरंग उत्पन्न होती रहती और मिटती रहती है। उसी प्रकार यह उपयोग शांत रह सकता है, किंतु पर वस्तु के साथ विकल्प जब तक बना रहेगा तब तक वह मन आपका काबू में नहीं रहेगा। अपना मन और अपने नियंत्रण में न हो, इसी का नाम तो परिग्रह है, इसी का नाम मूर्छा भाव है। मन अपना है और हम स्वतंत्र हैं, इसके बावजूद भी प्रत्येक वस्तु के प्रति जो हमारा जो संबंध जुड़ा हुआ है,
अथवा हम जोड़ते चले जा रहे हैं नए सिरे से, उसके माध्यम से आपका अर्थात संसारी प्राणी का मन विक्षिप्त है। और जब तक मन विक्षिप्त रहेगा तब तक वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में नहीं आएगा। जानने में आते हुए भी वह उपयोग में नहीं आ रहा, अथवा प्रयोग में जब तक नहीं आता तब तक आपका मन विक्षिप्त रहेगा, गाफिल रहेगा। स्वामित्व बुद्धि कहाँ तक रहती है इसके बारे में विचार करें। जब तक परिग्रह का संबंध जुड़ा हुआ है तब तक वह स्वामित्व भाव उसके साथ लगा हुआ है। और उमा स्वामी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि रौद्र ध्यान की सीमा कहाँ तक है, तो पंचम गुणस्थान तक रौद्र ध्यान की सीमा बताई उन्होंने। हिंसा नृतस्ते संरक्षणे भो रौद्र मदिरत देश विरत यो हो, ऐसा सूत्र दिया है। वह रौद्र ध्यान अविरत और देश विरत, यहाँ तक रौद्र ध्यान माना जाता है। क्यों, उसके आगे क्यों नहीं है? क्योंकि आगे के गुणस्थानों में पर वस्तु के साथ कोई भी स्वामित्व बुद्धि नहीं है। और स्वामित्व बुद्धि जब तक बनी रहती है तब तक वह भले ही परसेंटेज में हो किंतु वह रौद्र ध्यान समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि विषय संरक्षणानंद यह भी आध्यान माना जाता है, विषयों की रक्षा करता है। जबकि आत्मरक्षा की बात होनी चाहिए, स्वयं तो दालान में सो रहा है और वह संपदा तिजोरी में बंद है। सोचो उसकी, उसके लिए कितना प्रबंध कर रखा आपने, स्वयं के लिए कोई प्रबंध नहीं, वह दालान में सो रहा है, वह स्वयं कष्ट उठा रहा है। और कष्ट किसको होता है? जड़ को नहीं होता, किंतु चेतन द्रव्य ही कष्ट का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, किंतु वह बाहर सो रहा है। उसके लिए स्वयं के लिए कोई प्रबंध नहीं, किंतु वह तिजोरी में आराम के साथ वह संपदा सो रही है उसकी, क्योंकि उसकी है इसलिए ताला लगा हुआ है। दूसरे की हो तो हमें फिक्र नहीं है। इसी का नाम स्वामित्व भाव है। आपके दुकान में आग लग गई तो आपको फिक्र है, और अड़ोस पड़ोस के दुकान में आग लग जाए तो आपको कुछ है, कुछ होता है, कोई विकल्प होता है? और ये तो होता रहता है। अच्छा, होता रहता फिर स्वयं के दुकान के लिए ऐसा होता नहीं रहता, मतलब उसमें ये विकल्प क्यों? क्योंकि अपनत्व बुद्धि है। स्वामित्व भाव इसी को बोलते हैं। और जब तक शराब दशा रहेगी तब तक वह स्वामित्व भाव समाप्त नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन के सद्भाव में भी जब तक असंयम दशा रहेगी अथवा परिग्रह के साथ जब तक संबंध जुड़ा रहेगा अपना, तब तक वह रौद्र ध्यान उसको होता रहता है। पर में आनंद मान रहा है, अपने आत्मिक आनंद को खो दिया है उसने। जो स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसमें संसारी प्राणी को आनंद नहीं आता। वो अपने आप को गरीब समझता है। और परिग्रह पर्याप्त मात्रा में यदि संचित हो जाता है तो अपने आप को वह अमीर मानता है। और ये अमीर और गरीब, ये क्या वस्तु है? ये पर सापेक्ष परिणति है आत्मा की अथवा जीव की। ये इसी प्रकार चलेगा। ये
सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु, किंतु पर वस्तु से संबंध छोड़ना अलग वस्तु है। वस्तु को पर मान रहा है, ये मेरी वस्तु नहीं है, इस प्रकार श्रद्धान का विषय तो बना लिया है, इसके उपरांत भी उसके प्रति स्वामित्व का अभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वामित्व का अभाव वह सम्यक दर्शन से हट करके वह परिणाम है। संवेदन में आना चाहिए, श्रद्धान अलग वस्तु। श्रद्धान होने के बाद भी जब तक चारित्र भूमि का तीव्र उदय चलता रहता है, तब तक असंयम दशा होती है, और असंयम भी हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रख नहीं सकता, इसी को असंयम बोलते हैं। एक दिन हमने संयम को लेकर के चर्चा की थी कि संयम का अर्थ नियंत्रण होता है, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण और मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही आकिंचन्य धर्म का अनुभव कर सकता है। एक कार्य का आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं कि श्रवण बनने के उपरांत भी अपने आप को भूलने का अवसर बार बार आता है, इसलिए आचार्य हमेशा सावधान करते हैं किसको, श्रवण के लिए, क्योंकि आकिंचन धर्म की उपासना अलग वस्तु, किंतु आकिंचन धर्म की उपासना करते हुए उसको फील करना यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि छोड़ने के उपरांत भी उस वस्तु के प्रति लगाव बना रह सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और उस लगाव को ही समाप्त करना है, और जिसने समाप्त कर दिया तो आकिंचन धर्म उसके जीवन में आ जाता है। यत्यागाय निवर्तन्ते भोगे जो यदवाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मन्यत्र मोहिनः। मोही जीव की दशा देखो, जिसके त्याग के लिए और जिसके प्राप्ति के लिए पंचेंद्रिय की भोग सामग्री को उसने छोड़ दिया है, किसके त्याग के लिए, राग द्वेषादिक कालुष भावों के अभाव करने के लिए और वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए, ये दो रीजन है, राग द्वेष के अभाव के लिए और वीतरागता की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रिय के विषयों को जिसने छोड़ दिया है। किंतु प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ती, पुनः बार बार जो छोड़ी हुई वस्तु है उसी में प्रीति करता है, और द्वेष मन्यत्र मोहिन, वीतरागता के क्षेत्र में वह द्वेष भाव रखता है। ऐसा क्यों महाराज, ऐसा ही है ये, इसी का नाम मोह, कूप गहन मोह, ऐसा कोई गहन मोह है जो आपको, जो कार्य आप करना चाहते हैं उस कार्य में व्यवधान उपस्थित करने के लिए आया है वो मोह। द्वेष मन्यत्र मोहिन, वो धार्मिक क्षेत्र में वह द्वेष भाव आ रहा है, ये क्यों, क्यों मत पूछो आप। दो पहलू है, एक स्वभाव और विभाव के रूप में, स्वभाव का बोध हुआ और विभाव के बोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, स्वरूप का बोध हो गया तो स्वरूप में आनंद आना चाहिए, स्वरूप में आनंद आना चाहिए, हाँ, स्वरूप को समझाने में नहीं, स्वरूप को समझाने में आनंद ले रहा है, मतलब समझाने में आनंद आ रहा है, स्वरूप का नहीं आ रहा है, स्वरूप संबंधी जो व्याख्यान कर रहा है उसमें मैं, मेरे बराबर और कोई भी व्याख्याता नहीं है, इस प्रकार वह उसकी विपरीत जो परिणति है वह दूर नहीं हो पा रही है। कब होगी महाराज, कब होगी, पूछो नहीं,
काम करते चले जाओ। गुरु ने इतना महान कार्य किया है 50-55 साल में, उस प्रकार न कोई कर सकता है न करेगा। इसके उपरांत भी गुरु के प्रति समर्पण का भाव जागृति यदि नहीं होता किसी के अंदर, तो उसके लिए और कोई भी गुरु समझाने वाले नहीं आ सकते हैं, और कोई भी मुझे बांधने वाला है ही नहीं, और बल्कि वह बंधन मेरे लिए मुक्ति के लिए कारण है। उसको हम बंधन नहीं मानते, क्योंकि अनुशासित होकर के जो चलता है वही व्यक्ति गंतव्य तक पहुंच सकता है। जो अनुशासित नहीं है, अनुशासन पसंद नहीं है, स्वच्छंद होकर के विचरण करना चाहता है, तो वह कभी भी गुरु की उपासना नहीं कर सकता है। गुरु की उपासना करना चाहो तो गुरु आकिंचन धर्म की उपासना करते हैं, तो गुरु की उपासना करने वाला व्यक्ति सही माने में आकिंचन धर्म की उपासना कर रहा है। इसलिए आपका समय हो गया है और 2-3 प्रसंग आपने सुन लिए हैं, ऊंट का भी प्रसंग सुन लिया, और जो एक आंख के ऊपर 4 अंगुल पट्टी की बात उसको भी आपने ध्यान में रख लिया होगा। इसको बोलते हैं परिग्रह वृत्ति, और इस परिग्रह को समाप्त करने के लिए, ये धर्म की आराधना करने के लिए अवसर आया है। इसलिए शांति के साथ एकत्व का अनुभव करने का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, और एकत्व बुद्धि का नाम ही आकिंचन है। अहिंसा परमो धर्म की जय।